अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे गार्लिक पराठा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले एक बोल में लेंगे एक कप गंदम का आटा यानी व्हीट फ्लावर। हम ऐड करेंगे वन कप ऑल पर्पज़ फ्लावर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बारीक सूजी यानी सेमोलिना। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून नमक, 2.5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। हम इसको ल्यूकवार्म वाटर यानी थोड़े से गुनगुने पानी से गूंदेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, एक साथ मत ऐड करिएगा। इतना आटा तकरीबन 3/4 कप या 1 कप पानी से गूंदेगा। पानी देखकर ही डालें। हमें मीडियम आटा गूंदना है, ना बहुत सख्त और ना बहुत नरम। अब हम इस पर ऑयल डालेंगे और इसको फैला लेंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। उसी तरफ हम एक बोल लेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 टीस्पून फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे यानी हरा धनिया। फिर हम इसमें 1.5 टीस्पून ग्रेटेड या फिर कुटा हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून भुना और कुटा जीरा, 1/4 टीस्पून तिल ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून ओरिगानो ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिली फ्लेक्स की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की है, ये बहुत अच्छा कलर भी देगा और टेस्ट भी देगा और बच्चे बड़े आराम से खा सकते हैं। हमने आटे को आधे घंटे रेस्ट दे दिया है। उसके बाद हम आटे को इस तरीके से गूंदेंगे और इसके पेड़े बनाएंगे। मैं पेड़ों का साइज मीडियम रखती हूँ, इसलिए जितना आटा हमने गूंदा है उसके अंदर 5 पराठे आराम से बनेंगे। हम ऑल पर्पस फ्लावर डालेंगे और पेड़े को बेलेंगे। जिस साइज का पराठा बनाना है उस साइज का बेल। बटर के मिक्सचर को 10-15 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में हीट किया है। अब हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से पराठे पे स्प्रेड आउट करना है। हम पराठे को रोल करेंगे। हर घर में रोल करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको यहाँ 2 तरीके दिखाऊंगी। चाहें तो ये तरीके इस्तेमाल करें, वरना आप जिस तरीके से पराठा रोल करते हैं आप कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। पराठों को अंदर से फिल कर लिया है और अब फिल्ड पराठों को हम ऊपर से दोबारा बेलेंगे।
ज़रूरत पड़ने पे आप ड्राई आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसको गर्म करेंगे। जब वो मीडियम हॉट हो जाए तो हम उसमें पराठा ऐड करेंगे और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पराठा रेडी हो चुका है। अब हमारे पास जो बटर और गार्लिक का मिक्सचर रखा हुआ है, हम उसको इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। ये पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।